पब्लिक को लगता है देखोसी लग गया है कि आपको देखते देखते कुछ कुछ मतलब सीटेट ई रिक्शा वाले, मतलब क्या टैगलाइन जरूरी है क्या ये सबका? लड़कियां जो देख रही है, मान लीजिए पढ़ना लिखना नहीं होगा तो वो क्या चाय ही बेचेगी? नहीं सर, चाय क्यों बेचेगी, आईएएस बन के लड़कियां सामने आई है, श्रुति शर्मा सामने आई है, तो आईएएस भी बनो, चाय बेचने का थोड़ी ना कि चाय क्या करेंगी 2-3 दिन बाद अगर नगर निगम का जो प्रहार पड़ेगा आपके आत्मनिर्भरता पे? पता नहीं सर, मैं लगाऊंगी, लेकिन लगाऊंगी कौन लड़ेगा आपके लिए पता नहीं, बट मैं खुद मीडिया वाले का कवरेज ज्यादा हो रहा है ना, जो स्कूल के पास जो बेचती थी कॉलेज के पास चाय वाली, उनका थोड़ा भाव बढ़ गया, मतलब भाव मतलब एटीट्यूड चेंज हो गया, आपका देख रहे हैं थोड़ा स्वीट एटीट्यूड है, रिस्पांस अच्छा देती है, क्या पता 1000 के पार कुल्हड़ बेचाएगा तो आपका भी एटीट्यूड बदल जाएगा। मोदी जी का कॉपी कहीं? हाँ मोदी जी का, प्रधानमंत्री का कॉपी क्यों नहीं कर सकते? अरे प्रधानमंत्री जी का कॉपी करते हैं तो गैसवा का दाम तो 1300 हो गया है, कैसे निकालते हैं खर्चा? आप पर तो मुझे लगता है कि आफत पे आफत आ गई है कि पप्पू यादव को भी आना पड़ गया। हाँ पप्पू यादव सपोर्ट में, टेस्ट करे जरा आपका चाय जाते जाते हम। अब होगा भी नहीं, खत्म हो गया। चाय ही ना बनाती है? जी चाय बनाते नहीं ना, नहीं बनाती है, चाय के नाम पर अमृत पिलाती है। अच्छा ग्रेजुएट चाय वाली के बाद MBA चाय वाला के बाद अब आ गई हमारे आत्मनिर्भर भारत की चाय वाली, और ये कम दिनों में फेमस हुई है, कुछ दिन के बाद शायद गायब भी हो जाएगी क्योंकि राजनीतिक का शिकार हो रही है। क्या लगता है मोदी जी के जैसा आत्मनिर्भर भारत का जो चाय आप बेचने निकली है, कहीं ना कहीं नजर पड़ गया है किसी को? पता नहीं सर क्या हुआ, नहीं पता मुझे। कल परसों पप्पू यादव भी आए थे? कल आए थे जी। तो ये लोग पब्लिक को लगता है देखोसी लग गया है कि आपको देखते देखते कुछ कुछ मतलब सीटेट ई रिक्शा वाले, मतलब क्या टैगलाइन जरूरी है क्या ये सबका? पता नहीं सर लोग क्यों रख रहे हैं, मैंने तो आत्मनिर्भर रखा है, मैंने डिग्री का यूज नहीं किया। डिग्री का यूज नहीं किया? नहीं। सर कितना है आपका? 4। हाँ क्या बोली सर? मैं कह रहा हूँ कि जो लड़कियाँ जो देख रही है, मान लीजिए पढ़ना लिखना नहीं होगा तो वो क्या चाय ही बेचेगी? नहीं सर, चाय क्यों बेचेगी, आईएएस बन के लड़कियाँ सामने आई है, श्रुति शर्मा सामने आई है, तो आईएएस भी बनो, चाय बेचने का थोड़ी ना कि चाय ही बेचो सर, ऐसा नहीं। तो क्या करेंगी 2-3 दिन बाद अगर नगर निगम का जो प्रहार पड़ेगा आपके आत्मनिर्भरता पे? पता नहीं सर, मैं लगाऊंगी, लेकिन लगाऊंगी। हाँ मैं कौन लड़ेगा आपके लिए? पता नहीं, बट मैं खुद लड़ूंगी क्योंकि आसपास देख रहे हैं हजारों वेंडर यहाँ नजर आ रहे हैं। हाँ। और क्या लगता है कि आपके सपोर्ट में उतरेंगे? करना तो चाहिए सपोर्ट, करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। पब्लिक कैसा सपोर्ट कर रही है? पब्लिक तो बहुत ज्यादा कर रही है। कैसी चाय पिलाते हैं? सब तो बहुत सपोर्ट कर रहा है। कितना बेच लेती है चाय? 300-400 कुल, आज थोड़ा ज्यादा हुआ, आज 600 के प्रॉफिट बिक गया। लगता है मीडिया वाले का कवरेज ज्यादा हो रहा है ना? आज ज्यादा हो रहा है, आज ज्यादा हो रहा है। तो क्या लगता है कि आगे 1000 चाय बेच पाएंगे? पता नहीं, जितना मुझे चाहिए उतना मुझे मिल जा रहा है, अब नहीं भी उससे ज्यादा नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक सवाल है कि एक जो स्कूल के पास जो बेचती थी कॉलेज के पास चाय वाली, उनका थोड़ा भाव बढ़ गया, मतलब भाव मतलब एटीट्यूड चेंज हो गया, आपका देख रहे हैं थोड़ा स्वीट एटीट्यूड है, रिस्पांस अच्छा देती है, क्या पता 1000 के पार कुल्हड़ बेचाएगा तो आपका भी एटीट्यूड बदल जाएगा? नहीं सर, मेरा ये डिफॉल्ट नेचर है। अच्छा, डिफॉल्ट नेचर है। मेरा कभी चेंज नहीं होगा सर, अभी चेंज नहीं होगा। हाँ, आप देखोगे मेरा चेंज नहीं होगा। बिजनेस करने निकले तो पोलाइट रहना चाहिए ना। मदद आ रही है लोगों की, मतलब कुछ कुछ पे? हाँ मदद, नहीं फाइनेंशियली नहीं लेकिन सपोर्ट बहुत मिलता है। चाहिए भी नहीं फाइनेंशियली? नहीं बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं मेहनत करके कमाऊंगी। तो आत्मनिर्भर नाम क्यों रखा आपने? सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहती थी और बन गई हूँ इसलिए। मोदी जी का कॉपी कहीं? हाँ मोदी जी का, प्रधानमंत्री का कॉपी क्यों नहीं कर सकते? अरे प्रधानमंत्री जी का कॉपी करते हैं तो गैसवा का दाम तो 1300 हो गया है, कैसे निकालते हैं खर्चा? सर अब कमा रहे हैं तो अब उसमें हम क्या कर सकते हैं सर, वो अब आगे महंगाई बढ़ रही है तो उसमें मैं क्या करूं? भाई मोदी जी के तरह नाली से जो गैस, मोदी जी बता रहे थे एक बार कि चाय की दुकान जब ठेला लगाते थे गैस खत्म हो गया था तो गैस का पाइप जो है वो नाले में ही लगा दिए थे, कहीं वो आप नहीं ना करती हैं? नहीं नहीं वैसा नहीं करते, गैस में खर्च तो जा रहा है सर, खर्च जा रहा है। हाँ, गैस तो कब तक चाय बेचेंगे, क्या क्या टाइमिंग है आपका बेचने का? मेरा दिन भर स्टॉल खुला रहता है लेकिन शाम में 5 बजे से मैं आ जाती हूँ, उससे पहले मेरा स्टडी टाइम रहता है, मैं स्टडी करते रहती हूँ। अच्छा एक बात बताइए, महिला सिक्योरिटी की बात होगी, आप अकेले यहाँ आती है, आसपास कोई सभी यहाँ पर पुरुष आते हैं, कोई पियक्कड़ आएगा पीका पे कोई छेड़खानी करेगा, वैसा घटना नहीं अभी तक? नहीं वैसा नहीं हुआ है। तो कोई सिक्योरिटी के लिए नहीं है आपके पास? मेरे दोस्त लोग हैं। दोस्त लोग आपको सपोर्ट में? भैया सब है साथ, भैया सब है, सब साथ में ही रहते हैं, सब साथ में ही रहते हैं। हाँ। साइड में खड़े रहते हैं? हाँ, सब साइड रहते। तो चलिए देखिए, एक सिक्योरिटी का मामला था कि मुझे लगा कि कहीं अकेले बैठी हुई है, नहीं। तो इसका चाय बेचती है, सबसे बड़ी बात है कि इसका अभी इनका भाव नहीं बढ़ा है, 400
केस में है। मैं भाव की बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाबा का ढाबा देखने के बाद उनका भी भाव बढ़ा था, लेकिन वो उसी समय पर वहाँ पर आ गए थे। रानू मंडल भी गाते गाते आज फिर वहीं पहुँच गई। जी, चाय वाली जो है वहाँ पर बेचती है उसका भी कहीं वही हाल हो जाएगा, पता नहीं, भगवान ना करे। आप पर तो मुझे लगता है कि आफत पे आफत आ गई कि पप्पू यादव को भी आना पड़ गया। हाँ, पप्पू यादव सपोर्ट में आए। पप्पू यादव क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने बोला आप दिक्कत नहीं है, आप लगाइए। और उन्होंने एफबी में पोस्ट भी किया कि अगर इनके ये ठेला हटता है तो मैं बिल्कुल हटने नहीं दूंगी, इनका हौसला मैं टूटने नहीं दूंगी, उन्होंने डायरेक्ट लिखा है एफबी पे। तो चलिए, यहाँ पर आत्मनिर्भर चाय पीने के लिए अगर आ सकते हैं और इस बेरोजगारी के आलम में और मंदी के आलम में आत्मनिर्भर ही होना ही सही रहेगा, और आत्मनिर्भर चाय वाली का नाम ये रखे हैं अपना, क्योंकि उस आत्मनिर्भरता पे ये जब चाय बेचेंगी, और सबसे बड़ा सवाल या निशान ये है कि क्या महिलाएं अब इस तरह से ही चाय बेचते रहेंगी कि वो क्या काम करेगी, क्योंकि ये BCA कर लिया है, कोई MBA करके चाय बेचती है, कोई ग्रेजुएशन करके चाय बेचती है। अब ये देखा जाएगा कि ग्रेजुएशन चाय वाली की तरह ये भी भड़कती है कि नहीं भड़कती है। फिलहाल ये उन्होंने कहा है कि मैं नहीं भड़कूंगी। अब स्टॉल बंद कर रही है क्या? जी, अब मेरा टाइम खत्म हो गया। जरा हमें भी एक गिलास चाय पी के दिखाएगा, कितना एक कप पिलाइएगा, जरा टेस्ट करे जरा आपका चाय जाते जाते हम। अब होगा भी नहीं, खत्म हो गया। चाय ही ना बनाती हैं? जी, चाय बातें नहीं ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, चाय बनाती है, बातें नहीं, जरा टेस्ट करके देखते हैं। हाँ, सही में इनकी चाय है, ये चाय नहीं बनाती है, चाय बनाते के साथ साथ बातें नहीं बनाती है, ये असल में ही चाय बनाती है। चाय के नाम पर अमृत पिलाती है। अच्छा,